दोस्तों, मैं मलिहा और मैं हूँ महक। हम दोनों आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड के मेहमान है डॉक्टर मोहम्मद इमरान ऐवान, जो एक जनरल फिजिशियन और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी है। तो डॉक्टर अंकल हमें बताएंगे कि बच्चों की सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए। तो बात करते हैं डॉक्टर अंकल से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। आपके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपको अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और आपके इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को अच्छी अच्छी मालूम मिले। तो डॉक्टर अंकल, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि हम अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें। तो आपने सवाल किया कि हम बच्चों की सेहत का ध्यान कैसे रख सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बुनियादी सवाल है, इस पर ध्यान करना है और आपने ख़ुद भी और बाकी आपके दोस्त भी इंशाल्लाह ताला अमल करेंगे। तो बेटा, इंसान जब पैदा होता है तो उसकी सेहत के मसले तभी से शुरू हो जाते हैं, बल्कि पैदा होने से पहले भी होते हैं। माओं को अच्छी खुराक देनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला उनको सेहतमंद बच्चे पैदा करें। फिर जब वो बच्चे पैदा हो जाएँ तो उनकी खुराक का ध्यान ये होता है कि माँ उनको अपना दूध पिलाए। अगर माँ अपना दूध पिलाएगी तो उनसे कई बीमारियाँ उनके पास नहीं आएँगी और बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी। माँ उसका ध्यान बेहतर रख सकेगी तो उससे माँ की सेहत भी अच्छी रहेगी। तो बच्चों को माँ दूध पिलाए, ये डिब्बे के दूध बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता माँ किसी वजह से बीमार है या नहीं पिला सकती तो फिर डिब्बे के दूध भी दे सकते हैं। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 6 माह का हो जाए, तो फिर माँ को चाहिए कि बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाना शुरू कर दे। बच्चे को 6 माह की उम्र से थोड़ा बहुत कुछ खिलाना शुरू कर देना चाहिए और यहाँ तक कि जब वो 1 साल का हो जाए तो वो बच्चा वो सब कुछ खाए जो कि घर में पकता है। यानी हमारे घरों में चावल पकते हैं, आलू, अंडे, गोश्त, दलिया सारा कुछ बनता है। तो बच्चा 1 साल की उम्र में वो सब कुछ खाए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोगों के जहन में वसवसे हैं कि अंडा गर्म होता है, ये नहीं देना, फलां चीज़ ठंडी होती है वो नहीं देनी, तो उसकी वजह से बच्चे में बहुत सी कमियाँ रह जाती हैं। जैसे प्रोटीन की कमी से कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो 1 साल की उम्र तक तो बच्चा पूरे का पूरा माँ पर डिपेंडेंट होता है, तो वो बच्चा माँ उसकी देखभाल करती है। फिर उसकी सेहत के ख्याल में सफाई का बड़ा अहम रोल है। अगर माँ सफाई नहीं रखेगी तो बच्चा लामोहल्ला बार बार बीमार होता रहेगा। उसको पोटियाँ लग जाएंगी, उसको खांसी लग जाएगी, उसके जिस्म पर ख़ारिश शुरू हो जाएगी, सफाई नहीं होगी तो बच्चा बजाय बढ़ने के वो उस बीमारी से लड़ता रहेगा और बीमारी से लड़ने की वजह से उसका वज़न नहीं बढ़ पाएगा। वज़न नहीं बढ़ेगा तो उसके दिमाग की ग्रोथ भी नहीं होगी। और बच्चे का सर जो है वो 1 साल में 35 सेंटीमीटर पर पैदा होता है और 47 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर सर का साइज़ बढ़ता है बच्चे का, दिमाग का। तो अगर उसको प्रॉपर खुराक ना दी गई तो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगी और ब्रेन डेवलप नहीं हुआ तो वो सारी उम्र IQ लेवल कम रहेगा उसका, वो चीज़ों को सही समझ नहीं सकेगा, स्कूल की परफॉर्मेंस पुअर रहेगी और अल्टीमेटली वो बहुत लो ग्रेड में रहेगा और वो सारी उम्र लोगों के नीचे लगा रहेगा। तो इसलिए पैदा होते ही बच्चे की खुराक का ध्यान रखना है, उसको अच्छी खुराक देनी है, उसके पैदा होने से पहले उसकी माँ को अच्छी खुराक देनी है जिसमें दूध, मक्खन, घी सब कुछ शामिल होगा। हाँ, अगर वो ठीक है, अगर उसको कोई ब्लड प्रेशर वगैरह है तो फिर उसको कई चीज़ें नहीं भी देनी, तो वो डॉक्टर बताते रहेंगे। अब आ जाता है बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब वो चलने फिरने लगा है, तो हमारे यहाँ बच्चों से प्यार करते हैं कि उसको लेज ले दिए, स्लांटीज ले दी और उसको दिस एंड दैट पेप्सी ले दी, कि ये पिलाएंगे, बर्गर खिलाएंगे तो बच्चा, हम बच्चे से बड़ा प्यार कर रहे हैं। जबकि ये ग़िज़ाएँ इंतहाई नुकसानदेह हैं। लेज एक तरह से बच्चे को ज़ुबान का नशा लगा देता है, फिर बच्चा सिर्फ लेज खाता है, उस केमिकल को पसंद करता है, और चीज़ें जो खानी चाहिए वो नहीं खाता, दही नहीं खाता, मक्खन नहीं खाता, रोटी नहीं खाता, अंडा गोश्त नहीं खाता, जिसकी वजह से वो नेगेटिव बैलेंस में चला जाता है। और पेप्सी तो आपको पता है उसमें कैफीन होती है, कैफीन हमें ब्रेन को स्टिमुलेट कर देती है। अब ब्रेन को स्टिमुलेट करना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप थके हुए बच्चे को कैफीन दे देंगे तो वो मज़ीद स्टिमुलेट हो जाएगा और उसका जो सोने का टाइम है वो कम हो जाएगा, वो हाइपर एक्टिव रहेगा, ज़्यादा एक्सरसाइज करके अपने आप को नुकसान पहुँचा लेगा। और बच्चे का बढ़ना उसकी नींद की हालत में होता है,
तो जब वो नींद कम करेगा तो वो बढ़ नहीं पाएगा, उसका कद छोटा रह जाएगा, उसकी हड्डियों का साइज़ छोटा रह जाएगा। तो जिसकी वजह से फिर इसी वजह से आप देखते हैं कि आजकल हमारी कौम का साइज़ बहुत छोटा, कद छोटे आते आ रहे हैं, मसल्स होते नहीं हैं, बाजू पतले पतले होते हैं। तो ये कमज़ोर हो रही है हमारी कौम, क्योंकि हमारी डाइटरी हैबिट सही नहीं है। कुछ लोग गरीब हैं, उनको खुराक मिल नहीं रही, और जो अमीर हैं वो गलत खुराक खाने की वजह से ख़राब हो रहे हैं। कुछ बहुत ज़्यादा खाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, जैसे चिप्स। अब कुछ बच्चे चिप्स पर ही जोर देते हैं, आलू, तो आलू तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, जूस पी लेते हैं, पेप्सीज पीते हैं, तो ये गलत है। तो हमें अपनी खुराक का ध्यान करना, बच्चों को खुराक सही देनी है, साफ़ देनी है, बर वक्त देनी है, और उनकी उम्र के मुताबिक देनी है। कैल्शियम बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और ये देखा गया कि आजकल बच्चे दूध बिल्कुल नहीं पीते, दही बिल्कुल नहीं खाते। दूसरी बात है कि कब खाया। आप रात को उठे, 8 घंटे की नींद करके उठे, सुबह आपने नाश्ता किया नहीं और स्कूल चले गए, तो 12 घंटे रात के गुजरे, सुबह स्कूल जा गया, 12 बजे आप नाश्ता करेंगे, जब खाना खाएंगे तो इतनी देर आप भूखे रहे, तो जिस्म को ज़रूरत थी वो आपने दी नहीं बर वक्त, तो उसकी वजह से ब्रेन के जिस्म के अंदर ख़राबी आएगी। और स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है, ग्लूकोज है नहीं, तो समझेगा क्या, सुनेगा क्या, तो उसकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग पुअर होगी, और उसकी बाकी दोस्तों से, बच्चों से वो चिड़चिड़ा रहेगा, मूड चेंजेस आएंगी, फ्लक्चुएशंस आएंगी, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस पुअर होगी। फिर बच्चे पर और दबाव आएगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ, और फिर मेरी टीचर मुझसे खुश नहीं है, मेरे नंबर अच्छे नहीं आते। डॉक्टर अंकल, पहले हमें ये बताएं कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है और बहुत से लोगों को डायरिया भी हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने बड़ा टाइमली सवाल किया है। आजकल वाकई मौसम तब्दील हो रहा है, बरसात के मौसम में डायरिया बहुत बढ़ जाता है। डायरिया बेटा, नॉर्मली इंसान को एक या दो दफ़ा बाथरूम जाने की हाजत होती है, जैसे हम कहते पोटी करते हैं, लेकिन डायरिया में 3 या 3 से ज़्यादा दफ़ा रूटीन से ज़्यादा पतले मोशन आने को डायरिया कहते हैं। 3 या 3 से ज़्यादा दफ़ा पतले रूटीन से पतले मोशन आएँ तो हम उसे कहते हैं डायरिया है। डायरिया 2 किस्म का है, एक्यूट यानी फौरी तौर पर जो हुआ, और एक क्रॉनिक यानी बहुत पुराना डायरिया, बार बार डायरिया रहता है और मुसलसल इलाज से भी ठीक नहीं होता। तो आजकल जो डायरिया है वो गंदे मक्खी की वजह से हो रहा है, और या मौसम, आपने खाने को सही ढांप कर नहीं रखा या उसको सही गर्म नहीं किया, तो उसके अंदर जर्म्स पैदा हो जाते हैं, तो वो जर्म्स जब हमारे अंदर जाते हैं तो वो जाकर ख़राब करते हैं। और इस मौसम में बाहर से बच्चे चीज़ें खाते हैं, जैसे दही चाट वगैरह खा ली, तो उसमें वो जर्म्स पल रहे होते हैं, बच्चे खा जाते हैं, तो उनको डायरिया हो जाता है। डायरिया वायरल भी होता है, बैक्टीरियल भी होता है, और फूड एलर्जी से भी बच्चों को बाइस का डायरिया होता है। एलर्जी में कुछ लोगों को दूध के अंदर एक चीज़ होती है लैक्टोज, वो उनको हज़म नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से पोटियाँ लग जाती हैं, तो उसके लिए डॉक्टर बता देते हैं कि अभी फिर वो लैक्टोज फ्री दूध दे देते हैं। या एक गंदम के अंदर एक चीज़ होती है ग्लूटेन, एक प्रोटीन है, बाद का कुछ बच्चों को पैदाइशी उससे एलर्जी होती है, तो उस वजह से भी डायरिया रहता है। तो अगर वो टेस्ट से पता चलेगा तो फिर उस बच्चे ने सारी उम्र गंदम और जौ और एक और चीज़ होती है वो नहीं खानी होती, उसके अलावा चीज़ें चावल और मकई वगैरह खानी होती हैं, तो उसको करना पड़ता है। लेकिन मोस्टली जो बच्चों को होता है वो गंदी खुराक खाने से होता है। तो आप हमेशा हाथ धोएं, इस्लाम में हाथ धोना है, वज़ू करना है, सफाई निसफ ईमान है। तो हमने इंशाअल्लाह ताला खाना ढांप कर रखना है, ये भी सुन्नत है, पानी ढांप कर रखना है, ताज़ा पानी इस्तेमाल करना है, गर्म खाना खाना है, घर का खाना खाना है, और बाहर से खाना है तो किसी ऐसे अच्छी जगह से खाना है, आम ढाबों से नहीं खाना। जैसे ये एक बहुत अच्छा, आप माशाल्लाह हम जगह पे बैठे हैं, तो यहाँ का खाना इंशाअल्लाह ताला अच्छा है, तो ये खा सकते हैं। और कोशिश करें गर्म खाने खाएं, ठंडे पानी ना पिएं, ओवर ईटिंग ना करें, तो आप ठीक रहेंगे। ओ माशा, मुझे आपके प्रोग्राम में आकर बहुत अच्छा लगा, बच्चे मुझे हमेशा से अच्छे लगते हैं, और आप जैसे प्यारे बच्चों के पास बैठकर तो बहुत अच्छा लगता है। और एक बात इसलिए भी अच्छी लगी कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये पैगाम पहुंच जाएगा कि हमें सेहतमंद ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो बच्चे जब अपने बड़ों को बताएंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर इस प्रोग्राम में आकर। मेरी सामईन से और नाज़रीन से भी दरख्वास्त है कि ऐसे प्यारे बच्चों के और इतने अच्छे मौजूदात लेकर आने वाले बच्चों के प्रोग्राम को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि इनकी हौसला अफजाई हो और एक इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें, मज़ीद और मालूमात आगे पहुंच सकें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया डॉक्टर अंकल, आपने हमें अपना टाइम दिया और हमारे दोस्तों को अच्छी अच्छी बातें बताई। तो दोस्तों, हमें इजाज़त, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।